स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपका स्टार्ट कराया था एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। एंड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी बताया था कि दिस एक्सरसाइज रियली रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 6 तक क्वेश्चन आप सीख चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 7 और 7 ही नहीं, सभी क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज को समझते हुए आपको इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर डायग्राम आपका गलत हुआ तो क्वेश्चन आपका सही हो ही नहीं सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। भाई, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर अब आप देखते हैं इन दोनों पॉइंट के हाइट को, यानी बिल्डिंग के हाइट को देखते हैं, ठीक है। या यहाँ कह रखा है बॉटम एंड टॉप, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका बॉटम और उसके टॉप को देखते हैं तो एंगल 45 और 60 डिग्री बनता है। तो आपको बताना है वो टावर जो है ना, उसकी हाइट कितनी है। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये डायग्राम। अगर आपने ये डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो क्वेश्चन आपका ये भी राइट हो जाएगा, और अगर डायग्राम ही गलत है तो इसके राइट होने की संभावना ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये एक 20 मीटर हाई हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, ठीक है। अब ग्राउंड पर कहीं भी एक पॉइंट पर खड़े होकर आप इसके बॉटम को, यानी ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हैं और ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखते हैं, तो बॉटम का जो एंगल है वो एंगल 45 डिग्री बनता है और टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। भाई, बॉटम को देखने थोड़ा कम देखने ऊंचा उठना पड़ेगा और टॉप को देखने दे गर्दन को थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा, तो जितना ऊंचा गर्दन को करेंगे उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, तो ऊपर देखने के लिए ज्यादा बड़ा एंगल और नीचे देखने के लिए कम एंगल। तो ये तो वैल्यूज आपको दे रखी है, आपसे पूछा गया बताइए टावर की हाइट कितनी है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, अब ये बिल्डिंग है ऑब्वियसली जमीन से परपेंडिकुलरली खड़ी होगी, तो ये वाला ट्राइंगल है ये भी राइट ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है ये भी राइट ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। अब मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका यूज करते हैं, इट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो पी हमको दे रखा है, अगर मैं ये बी निकाल लूं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉइंट क्या है इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन है तो इसको निकालने से काम बनेगा। तो पी और बी, पी और बी किस में आता है, इसमें आता है, इसे हम कहते हैं टेन। तो हमने लगाया टेन 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 45 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी टेबल से क्या होती है, 1, नीचे 1 मान लिया। पी कितना है हमारे यहाँ पर, ये एंगल के सामने वाला पी होता है, तो 20 मीटर है। बी कितना है, ये बी है, यानी कि ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसका, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइड किया इसका हमने, तो ए बी का 1 में किया ए बी और 1 का 20 में कराएंगे 20, यानी कि ए बी की वैल्यू भी आ जाएगी 20 मीटर। तो मैं ये पता लग गया कि ये ए बी जो है, ये भी कितना है हमारा 20 मीटर है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ए बी डी, याद रख लीजिए ए सी डी नहीं लेंगे क्योंकि यहां 90 डिग्री कोई एंगल नहीं बनना, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो यहां भी देखो इसका और इसका यूज करना है, तो फिर से वही पी और बी, यानी कि 10 लगाएंगे। तो क्योंकि पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल लगेगा 60, तो 10 60 इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहता है, 10 60 वैल्यू टेबल में आपको पता है रूट 3 होती है, नीचे 1 मान लिया। पी कितना, अब ये पूरा पी है, ठीक है, पूरा पी कितना है बी डी, तो मैंने बी डी लिख लिया, और बेस कितना यही है तो ए बी लिख दिया। अच्छा, ये तो रूट 3/1 रहेगा, बी डी दो चीजों से मिलकर बना है बी डी, एक तो बी सी एक सी डी, तो लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, और ए बी हमें पता ही है कितना निकला हमारा 20, तो 20 लिख दिया इसकी जगह पे हमने। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं यहां पर हम, अभी
बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो बीसी की जगह भी 20 लगा दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस इंटू कर देते हैं, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो यही नंबर रहेगा 20+CD, और √3 का अदर करेंगे तो 20√3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर CD की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ट्रांसफर किया, माइनस हो गया। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो 20 20 कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 या कुछ नहीं तो 1। तो ये हमारा आ गया CD, और यही हमको निकालना था। तो बस लिखेंगे, सो द हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, 20√3 - 1। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होती तो पुट कर देते, नहीं दे रखी है तो कोई टेंशन नहीं, इतना भी रख देंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि 8। भाई 8 और 7 लगभग लगभग एक जैसे हैं, चलो देखें, बताते हैं। स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक बेस यानी आधार के ऊपर रखा हुआ है, पेडेस्टल के ऊपर यानी कि आधार है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी एक मंडे कोई खड़ा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल देखता है तो 60 डिग्री बनता है। एंड द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप देखता है तो 45 डिग्री बनता है। तो ये बताना हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन आपसे कह रखा, ये एक है मान लीजिए पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल मतलब जिस तरह का जो एक स्तंभ टाइप का होता है, यहाँ के ऊपर हम पुतला खड़ा कर देते हैं कोई भी, ठीक है, तो ये पेडेस्टल कहलाता है। वो पेडेस्टल हमारा मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, इस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.5 मीटर की दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ कहीं एक पॉइंट से हम खड़े होकर इसका पेडेस्टल का टॉप देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री बनता है, स्टैचू का टॉप देखते हैं तो एंगल बड़ा हो गया यानी कि 60 डिग्री बनता है। तो आपको बताना है कि ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट क्या होगी, यानी कि ये हाइट हमको निकालनी है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है जैसे पेडेस्टल वाला क्वेश्चन था, बस अंतर यह है कि वहां ये दे रखा था ये निकालना था, यहाँ ये दे रखा है और इसको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल लिया, भाई इन दोनों साइड की तो जरूरत है, और ये पी कहलाएगा ये बी कहलाएगा। तो अगर हम देखें, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पी और बी का यूज किस में हो रहा है, टेन में हो रहा है। अब टेन में इसका यूज हो रहा है तो हमने लगा दिया टेन, कितना एंगल है छोटा वाला 45, तो 10 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इसकी वैल्यू 1 होती है। पी हमें कितना दे रखा है बीसी, और बी कितना है ए बी, बीसी अपॉन ए बी। जब इसका क्रॉस इंटू करेंगे आप तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बीसी आ गया, ठीक है। चलिए बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, 10 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, द वैल्यू ऑफ 10 60 इज √3, नीचे 1 मान लिया। अब देखो पी एंगल के सामने वाला पी होता है, ये पूरा पी है, तो पी कितना है बी डी, तो बी डी लिख दिया। बेस कितना है ए बी, तो ए बी लिख दिया। अच्छा बी डी हमारा जो है ना दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा बी डी, एक तो बी सी से और एक सी डी से। तो हमने क्या किया, बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर बी डी के लिख दिया बी सी प्लस सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6। अब देखिए क्रॉस इंटू करेंगे इसका, एक क्रॉस इंटू किया, इसका √3 में √3 आ गया बीसी, और 1 का इधर करेंगे ये नंबर ऐसी रहा, बीसी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर आके माइनस का हो जाएगा बीसी। ओके, तो बीसी देखो कॉमन है दोनों में, बीसी को कॉमन निकाला तो √3 और यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1, इसको उधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा। अब नीचे का भी रूट में रखते नहीं है इसलिए हमने इसमें कंजुएट का इंटू कर देंगे। कंजुएट क्या होता है कि यहां जो भी हो उसका साइन बदल डालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में ही आ जाएगा √3 + 1। यहां देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी जानते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है, 3 - 1 क्या होता है 2, और 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा 0.8 टाइम्स। तो बस हो गया, कह सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है।
इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ वाला क्या क्वेश्चन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ टावर की हाइट जो है 50 मीटर की है तो बताइए बिल्डिंग की हाइट क्या होगी. देखिए कैसे करेंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है नाइन्थ वाले में, एक तो हमें दे रखा है टावर और एक दे रखा है बिल्डिंग. अब ये कैसे पहचानेंगे कि क्या बड़ा है क्या छोटा है? तो जिसका एंगल बड़ा उसकी हाइट बड़ी, जिसका एंगल छोटा उसकी वैल्यू छोटी. तो डायग्राम हम बनाएंगे तो ये एक्चुअली टावर का एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री का, इसलिए मैंने टावर को बड़ा बनाया. बिल्डिंग का एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री, इसलिए मैंने बिल्डिंग को छोटा बनाया, क्योंकि ये एंगल छोटा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी और ये एंगल बड़ा तो ये वैल्यू भी बड़ी होगी. ठीक है, आपसे कह रखा है कि भाई टावर की हाइट अगर 50 मीटर की है तो बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी. तो एक एक करके ट्रायंगल ले लेते हैं. पहले ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, क्योंकि जरूरत हमको इसकी और इसकी है. तो ये है पी और ये है बी. तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. इसमें पी और बी का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है? टेन के लिए होता है. तो हमने यहाँ टेन लिया, एंगल कितना है 60. तो टेन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इसकी वैल्यू तो जानते ही हैं आप. पी कितना है हमारे पास 50, बी हमको नहीं पता, ए बी मान लिया. क्रॉस इनटू करेंगे तो हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू 50, यानी ए बी इज इक्वल टू 50/√3. अब एक और ट्राइंगल बचता है तो इस ट्राइंगल को ले लो. तो इन ट्राइंगल BAD ट्राइंगल लिया, तो यहाँ एंगल कितना है 30. तो टेन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी. टेन 30 की वैल्यू जानते हैं 1/√3 होती है. पी नहीं पता तो ए डी रख दिया, बी ए बी रख दिया. क्रॉस इंटू करेंगे इसका हम, तो ए बी का 1 में इंटू गया ए बी और √3 का ए डी में करेंगे √3 AD. अब देखो ए बी की हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ए बी की ये वैल्यू यहाँ ए बी की जगह रख दें. ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा. ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रख दी, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया. फिर क्रॉस इंटू करेंगे तो √3 √3 3 हो जाएगा 3 AD और ये 15 × 1 50. 3 को उधर लेके आएंगे 50/3, या पॉइंट में कह सकते हैं या मिक्स में भी कर सकते हैं. तो AD का आंसर आया 16 × 2/3, या कह सकते हैं दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 × 2/3 मीटर. ओके स्टूडेंट.